हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज कंप्यूटर साइंस एन सी आर टी हम कवर कर रहे हैं प्लस वन के एन सी आर टी कवर कर रहे हैं दिस विल बी द थर्ड लेक्चर एंड कंप्यूटर साइंस के आई ट्राई कि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करूँ ठीक है ताकि ये पाँच पाँच क्वेश्चन करके बाय द टाइम वी रीच एग्जाम दो जुलाई से पहले पहले हमारा सफिशेंट नंबर ऑफ एम सी क्यूज या एन सी आर टी कवर हो जाएगा और इजीली जो है आपके जो पांच से आठ क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं उसमें से आपका एट्टी नाइनटी परसेंट का भी अगर हिट रेट आ गया करेक्ट रेट आ गया तो अपना काम हो जाएगा ठीक है और आप सोच रहे होंगे सर कंप्यूटर साइंस ज्यादा सब्जेक्ट आपने उठाया क्योंकि ये अल्टीमेटली जो मेरे स्टूडेंट से मैं चाहता हूँ कि उनके पास एक एज रहे और कंप्यूटर एक एज देने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि सेवेंटी टू एट्टी परसेंट बच्चे जो ई पी एफ ओ का पेपर देने जा रहे हैं एओ ईओ या ए पी एफ सी सेवेंटी टू एट्टी परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर को तो सब्जेक्ट ही नहीं माना है ठीक है वो तो यही सोच करके चल रहे हैं कि ठीक है यार एक सौ बीस क्वेश्चन आने हैं तो उनके लिए तो ये पाँच से आठ क्वेश्चन वो कम्पलीटली रिस्क में लेकर के चल रहे हैं कि जो एक आधा क्वेश्चन बिल्कुल जो आता हुआ वो कर देंगे उसके अलावा सारे छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखो हिस्ट्री तो सबने एक जैसी पढ़ी होगी ऑलमोस्ट ठीक है हिस्ट्री एक जैसी पढ़ी होगी पॉलिटी एक जैसी पढ़ी होगी करंट अफेयर्स भी ज्यादातर सेम सी पढ़ लेते हैं बच्चे ठीक है वही सब न्यूज होती है वही सब मैगजीन बट कहीं ना कहीं ये फिर एक डिफरेंशियटिंग फैक्टर बन गया ना कंप्यूटर्स हो गया इंग्लिश हो गया मैथमेटिक्स या रीजनिंग के जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए एक डिफरेंशियटिंग फैक्टर बनेगा एंड बिफोर वी स्टार्ट द क्लास गई यूट्यूब पे आप कि जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं EPFO के उसकी पीडीएफ फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स भी आप ले सकते हो जिसमें आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत भी नहीं है एंड अभी फिफ्टी ऑफ चल रहा है इफ यू यूज द कोड यू पी यूज़ करना एंड यू विल गेट कोड डिस्काउंट ओके चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे अब. पहला क्वेश्चन है डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ़ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड फिजिकल वायर्स का यूज करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर ठीक है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए ट्रेन बी बस सी बॉक्स डी लाइन अब किसी ने अगर पढ़ा हुआ है ना देखो जन अब बात तो ये ना कि कंप्यूटर तो डेली रूटीन में हम सभी यूज करते हैं बट इस टाइप की चीजें हमें नहीं पता होती ठीक है तो अल्टीमेटली पर एक थोड़ी सी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट आ जाती है बट अब आपको वगैरह करने की जरूरत नहीं है जो भी एनसीआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं ऑटोमेटिकली आपको करा दूंगा आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन बी बस ठीक है बस, बस बेसिकली जो लाइंस होती हैं जिसके थ्रू आप फिजिकल वायर्स जो होती हैं जिसके थ्रू आप

और हार्ड डिस्क के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है या हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो वो किसके थ्रू होता है वो बस के थ्रू होता है जो है जो फिजिकल वायर्स होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अगेन मिलता जुलता विच ट्रांसफर डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमरी अब अलग अलग कॉम्पोनेट्स के अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है ना उसके अंदर अलग अलग बसेस का इस्तेमाल होता है तो बेसिकली सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है तो वो कौन सी बस के थ्रू होता है डाटा बस एड्रेस बस कंट्रोल बस या नन ऑफ दी अब अगर आपको सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर करना है आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी एड्रेस बस तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो एड्रेस बस के थ्रू होता है तो तीन टाइप्स ऑफ बसेस होती है हमारे पास डेटा बस डेटा बस का क्या काम होता है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में जो है डेटा ट्रांसफर करेगा जैसे हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव टाइप का जो डेटा डेटा ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया एड्रेस बस का क्या काम होता है ये डेटा करती है ये मेनली करती सीपीयू और जो आपकी मेन मेमरी या प्राइमरी मेमरी होती है ठीक है एंड द एड्रेस ऑफ द मेमरी लोकेशन दैट द सी पीयू टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन एड्रेस बस तो बेसिकली सीपीयू को किस एरिया से क्या यूज करना है वो एड्रेस बस के थ्रू ही वो यूज करेगा उसके बाद कंट्रोल बस का क्या काम होता है ये एक तरीके से कंट्रोल सिग्नल्स रिलेटेड कमांड होंगी ना वो कंट्रोल बस के थ्रू सेंड की जाएंगी ठीक है नाउ सीपीयू को देखो डाटा रीड करना पड़ता है मेन मेमोरी से या आपको बेसिकली uh, uh, तो बेसिकली देखो डाटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होगी ठीक है डेटा बस जो है वो डायरेक्शनल होगी उसमें से बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब हो गया कि आप जो है दोनों सिंगल डायरेक्शन होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है जिनका जनरल बैकग्राउंड है जिन्होंने कंप्यूटर सिर्फ आठवीं नौवीं दसवीं तक पढ़ा है वो वैसे तो ये हर सब्जेक्ट के लिए मैं बोलता हूँ यूपीएससी का जो पेपर होता है वो एक जनरलाइज्ड पेपर है जो आपका एपीएफसी या OEO का पेपर है तो आप स्पेशलाइजेशन वाली एस्पेक्ट के अंदर मत घुसो स्पेशलाइजेशन वाली एस्पेक्ट के अंदर मत घुसो जैसे इंश्योरेंस के अंदर बहुत से बच्चे स्पेशलाइज मैं लेक्चर डाल रहा हूँ तो क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि भाई अगर किसी ने दोनों दो, दो कंपनी से इंश्योरेंस ले रखी है तो उसको क्लेम का और वो टेक्निकलिटी के अंदर मत जाओ ना उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा आप खुद सोचो कि क्या वो आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा तो स्पेशलाइजेशन के अंदर या उस फील्ड के अंदर घुसोगे तो फिर तो आपकी तैयारी होने से रही ठीक है और मैं आपको बात बता दूं जो ज्यादा एक्सपर्टीज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना उनके पेपर ही नहीं क्लियर होते तो जितना अपने काम की चीज है उतना थोड़ा सा आ, उतने में जाओ उतनी चीजों को समझो पेपर क्लियर हो जाए उसके बाद चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाना छुट्टी लेकर के सरकार से एक महीने के लिए वहां जाकर के फिर अच्छे से जिस भी चीज में एक्सपर्टीज करनी हो करना ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ऑप्शन ए कीबोर्ड बी पेन ड्राइव सी डिजिटल कैमरा डी ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी ये तीनों आपके माइक्रो uh, कंट्रोलर के एग्जाम्पल हैं तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है ये एक तरह का स्मॉल छोटा कंप्यूटिंग डिवाइस होता है अपने आप में देखो जनरली जो कंप्यूटर का सीपीयू uh, होता है जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो ठीक है उसमें तो क्या होता है जो चिप होता है उसके ऊपर सिर्फ सीपीयू होगा ठीक है जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो बेसिकली आपका सीपीयू है सिस्टम का अब कई छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस के ऊपर सीपीयू का भी एक छोटा सा चिप होगा ठीक है दो वो एज एज पावरफुल कंप्यूटर का सीपीयू सीपीयू नहीं होगा होगा छोटा सा एक चिप होगा। एक चिप उसके ऊपर छोटी सी रैम रोम की मेमोरी भी होगी ठीक है और ये सारा एक सिंगल चिप के ऊपर फिक्स किया हुआ होगा ठीक है उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर अब इसमें एग्जाम्पल में माइक्रो कंट्रोलर में जैसे आपका कीबोर्ड है माउस है वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है ठीक है तो वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली काम क्यों कर रही है क्योंकि उसके जो चिप है उसमें एक सीपीयू है एक रैम है एक रोम है उसको सारा पता है कि क्या क्या कैसे पानी भरना है फिर कपड़ों को वॉश करना है फिर रेंस करना है फिर पानी को ड्रेन करना है ठीक है डिजिटल कैमरा हो गया पेन ड्राइव हो गया रिमोट कंट्रोलर माइक्रोवेव ये सब माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये एक अपने आप में एक छोटी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं जिनके पास एक सीपी है एक फिक्सड अमाउंट ऑफ रैम है रोम है ठीक है नौ ये जो सारी डिवाइसेज हैं ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती और इसी वजह से इनका साइज और कॉस्ट जो है वो कम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच सॉफ्टवेयर तो पहले तो ये पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बी सिस्टम यूटिलिटीज सी डिवाइस ड्राइवर्स डी ऑल ऑफ द अबव इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये तीनों ही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम 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 यूटिलिटी डिवाइस ड्राइवर्स तीनों आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं तो आंसर डी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है जो आपके कंप्यूटर का बेसिक फंक्शनैलिटी है ना जो आपका कंप्यूटर चल रहा है आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो ठीक है वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके अंदर एक विंडोज या मैक ओ या फिर एंड्रॉइड वो क्या है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो आपकी अब आप कंप्यूटर में से आप विंडोज को डिलीट कर दो अपनी अगर आप विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं वो सिर्फ एक डब्बा है वो सिर्फ एक हार्डवेयर रह गया तो बेसिक फंक्शनैलिटी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए होती है जिससे अल्टीमेटली आपका जो हार्डवेयर है वो चल रहा है जब तक हार्डवेयर में आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल आइटम्स हैं वो काम नहीं करेंगे ठीक है तो अल्टीमेटली ये हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं अल्टीमेट सर्विस

जैसे विंडोज मैंने बोला ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ठीक तो right है, है. तो है? है और अल्टीमेटली यही कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है जैसे आपके फोन के अंदर एंड्रॉयड हो सकता है या आईओ हो सकता है आपके लैपटॉप के अंदर अगेन आईओ हो सकता है या विंडोज हो सकता है उसके अलावा उबुंतु ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं और ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं क्योंकि इसके अलावा बाकी के सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेंगे जब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा अब आप अपने मोबाइल uh, के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर पचास तरह के सॉफ्टवेयर रखते हो लेकिन वो तभी आप यूज कर सकते हो ना जब आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये बाकी सारी एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को एक तो पहले तो काम करने के लिए जगह देगा उसके बाद एक तरीके से इनको uh, एक्सेस देता है कि हाँ जी आप सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो ओके okay? और इसके अंदर आपके पॉपुलर एग्जांपल्स में विंडोज लिनक्स मैसिन या मैकिन जिसको हम बोलते हैं उबुंतु फेडोरा एंड्रॉइड आईओएस ये सब जो हैं आपके किस चीज के एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम यूटिलिटी है डिवाइस ड्राइवर है या नन ऑफ दी अबव तो एंटीवायरस जो होता है आपका अगेन ये क्या होता है ये सिस्टम यूटिलिटी है यहां पर आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होना है ऑप्शन बी है सिस्टम यूटिलिटी है. है जो आपका वो क्या होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम यूटिलिटीज बेसिकली क्या होते हैं अब कंप्यूटर तो ऑन हो गया कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर तो ऑन हो गया सिस्टम यूटिलिटी ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अल्टीमेटली कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए और जो वेरियस कन्फिग्रेशन होती हैं कंप्यूटर में उसके लिए काम आते हैं अब कुछ सिस्टम यूटिलिटीज़ तो ऐसी होती हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही कनेक्टेड होती हैं तो हम इसको बोल देते हैं दैट दे आर शिप्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये यूटिलिटीज आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएंगी ठीक है जो आपकी सी वगैरह से आप डालते हो ना विंडोज तो उसमें वो साथ में हो जाती है जैसे डिसफ्रेगमेंटेशन टूल जिससे आप अपनी डिस्क को डिसफ्रेगमेंट कर देते हो कितनी स्पेस कहाँ पर दे रहे हो फॉर्मेटिंग यूटिलिटी कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया रिस्टोर यूटिलिटी तो ये सब एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ जाती हैं दूसरी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं होती जिनको आपको अलग से बेसिकली इंस्टॉल करना पड़ता है जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया आप एक बार कंप्यूटर को ऑन करके उसके बाद उसमें डालते हो ना डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हो गया डिस्क क्लीनर टूल्स हो गए वो आपके सिस्टम यूटिलिटीज आ गए अल्टीमेटली आपके सिस्टम को मेनटेन करने में और उसकी कॉन्फिग्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करेंगे सिस्टम यूटिलिटी फाइनली होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर तो आपने सुना होगा कि भाई आपने कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका एक बार डल गया विंडोज आ गया भाई विंडोज आपने डाल दिया बट हर रोज नई डिवाइस आ रही हैं अब आप अपनी कंप्यूटर के साथ नई नई डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हो ठीक है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप डेली थोड़ी अपडेट कर सकते हो आपकी डिवाइस सपोर्ट ही नहीं करेगी तो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी डिवाइसेस को पहचान ले क्योंकि नई नई डिवाइसेस आ रही है ना ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले डल चुका और हर डिवाइस के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं तो उस केस में डिवाइस ड्राइवर्स हेल्प करते हैं ठीक है वो एक तरीके का लिंक क्रिएट कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में ठीक है एडिशनल एक तरीके से जो फंक्शन हैं वो वहाँ पर यहाँ पर क्रिएट कर देंगे और उससे वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो ऑपरेट कर पाएगी जैसे आप नया माउस कनेक्ट करते हो कोई या नया कीबोर्ड आप और, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हो तो वो एक सॉफ्टवेयर पहले ड्राइवर इंस्टॉल करता है कंप्यूटर उसके अंदर ताकि वो उसको ऑपरेट कर सके ओके सो एज अ इंटरफेस ये काम करता है उस पर्टिकुलर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो गैप है उसको ये फुलफिल कर देता है आपका डिवाइस ड्राइवर ओके सो दीज वर द क्विक क्वेश्चन गाइज फॉर टुडे फॉर कंप्यूटर और इसी तरीके से कंप्यूटर के लेक्चर्स आते रहेंगे कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है रोज ये एक, -एक वीडियो भी देखोगे तब भी आपका कंप्यूटर जो है बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और देखो आप सब के कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं कि सर व्यूज बहुत कम है चैनल के ऊपर इतने कम नहीं होने चाहिए थे चैनल आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो देखो उस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता बट अल्टीमेटली आप ही लोग जो हो वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो और अल्टीमेटली आप जितना ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम इसको बड़ा बना पाएंगे और ठीक है तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है ओके मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय